हेलो फ्रेंड्स, डे टू डे रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम पनीर बनाएंगे। पनीर से बहुत सारी सब्जियां बनाई जाती हैं और मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। वैसे तो पनीर बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो पनीर सॉफ्ट और ताज़ा नहीं होते, क्योंकि पैकिंग और सप्लाई होते होते 2-3 दिन पुराना हो ही जाता है। अगर आपको ताज़ा और सॉफ्ट पनीर चाहिए तो आप घर में ही आसानी से और जल्दी पनीर बना सकते हैं। तो चलिए पनीर बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और 1 बड़ा नींबू का रस ले लिया है। आप यहाँ पे नींबू की जगह वेनेगर, छेने के पानी को या सिट्रिक एसिड या टार्टरी से भी हम दूध को फाड़ सकते हैं। नींबू आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम नींबू से ही फाड़ेंगे। तो सबसे पहले हम दूध को गैस पे चढ़ाएंगे। हमने दूध को गैस पे चढ़ा दिया है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे उबाल आने तक उबालेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और अब इसमें नींबू डालेंगे धीरे धीरे और इसे थोड़ा चला देंगे, फिर डालेंगे। अब हमारा छेना फट रहा है, इसे फटने देंगे, अभी नहीं चलाएंगे। जब ये पूरे अच्छे तरीके से फट जाएगा तो हम चलाएंगे। ये दूध हमारा अच्छे से फट गया है, अब देख रहे हैं छेना और पानी अलग हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। हमने यहाँ पे ये सूती कपड़ा व्हाइट रंग का ले लिया है, अब हम इसमें पनीर को छानेंगे। ज्यादा देर तक ऐसे इसमें नहीं रख सकते हैं, नहीं तो हमारा पनीर सख्त हो जाता है। इसे हम निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो नींबू का फ्लेवर है वो अलग हो जाए, इससे पूरी तरह से नींबू का फ्लेवर खत्म हो जाए। और 1 गिलास पानी डालेंगे हम इसमें। अब इसे हम इसका पानी पूरा निकाल के अच्छे से आप इसे ऐसे कहीं टांग सकते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए जो टपक रहा है। या फिर हम एक बर्तन में इसे रख करके और चकले से या किसी भारी चीज से दबा करके पानी निकाल देंगे ऐसे, और ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा और इसका पानी भी निकल जाएगा। थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं ये पानी निकल गया है, एक्स्ट्रा पानी इसे निकाल देंगे। चकले को हटा देंगे। अब हम इसे निकाल के एक बर्तन में रख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा पनीर, सॉफ्ट पनीर तैयार हो गया है। ये हमने 1 लीटर दूध से पनीर बनाया है और इतने दूध में 200 ग्राम के करीब पनीर बन जाता है। अब इसे आप 10 से 15 मिनट बाद मनचाहे आकार में काट सकते हैं। हम इसे अभी भी काट सकते हैं, लेकिन ये जब ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छे से कटेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।